please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 11 बजे राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जर्मनी दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बर्लिन में आज जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। इलाहाबाद कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने वहां के ऑर्डिनेंस डिपो का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। पटना के शेल्टर होम केस में शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल और सचिव चिरंतन को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सीएम नीतीश के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुजफ्फरपुर रेप कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु के बेकसूर होने के वीडियो की सीबीआई पड़ताल में जुटी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत के निधन के बाद मुंबई के चेंबूर में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में जमीन का अधिग्रहण न हो पाने की वजह से वहां बनने वाले एयरपोर्ट पर मंडराते खतरे के बीच डीएम ने औद्योगिक और मेडिकल संगठनों से बात की। नोएडा में जमानत पर जेल से रिहा रिटायर्ड कर्नल की शिकायत के बाद एसएसपी ने सेक्टर 20 के पूर्व थाना प्रभारी मनीष सक्सेना और सीओ अनिल कुमार को पुलिस लाइन भिजवाया। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में ईद के मौके पर जुटे कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाने लगे। दावा किया गया कि इन लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारा लगाने की वजह से फारूक अब्दुल्ला का विरोध किया। और हजरत बल दरगाह में नमाज अदा करने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला को दरगाह से बाहर भेजने की मांग की। इतना ही नहीं, कुछ गुस्साए लोगों ने विरोध जताने के लिए अपने जूते हाथ में उठा लिए और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले दरगाह के इमाम वहां आर्टिकल 35A के बारे में बात कर रहे थे और फारूक अब्दुल्ला के पहुंचते ही लोग भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मस्जिद कमेटी ने मामले में दखल दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग धक्का मुक्की करते रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय बोलने पर सफाई देते हुए विरोध करने वालों को इस्लाम का दुश्मन करार दिया। हम लोग सब अल्लाह के सामने झुकने गए थे, नमाज पढ़ने गए, हमें कोई सियासत नहीं वहां, मगर कुछ लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, नहीं समझता हूँ मुसलमान, क्यों वो कभी ये नहीं करते कि नमाज पढ़ने नहीं देते, मैं समझता हूँ वो इस्लाम के दुश्मन है। पंजाब के फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के बागी नेता सुखपाल खेरा ने अपने गुट के विधायकों के साथ मंच पर खड़े होकर लोगों का स्वागत किया। वहां अपने समर्थकों के साथ अलग बैठक करके सुखपाल खेरा ने पार्टी से किनारा करने का साफ संकेत दे दिया, जिसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के दो फाड़ होने की चर्चा और तेज हो गई। खेरा की बैठक में मंच पर आम आदमी पार्टी का नाम तो था, लेकिन केजरीवाल या किसी दूसरे बड़े नेता की तस्वीर बैठक से नदारद रही। नेता विपक्ष के पद से हटाए जाने से खफा सुखपाल खेरा ने बैठक के जरिए न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि आम आदमी पार्टी से अपनी दूरी भी जाहिर कर दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहचान पीली पगड़ी है, लेकिन खुद गुलाबी पगड़ी पहने सुखपाल खेरा ने सभी समर्थकों को हरी पगड़ी बंटवाई। हरी पगड़ी किसानों का रंग है जी, इधरों बढ़िया तो रंग ही है नहीं कोई। हालांकि सुखपाल खेरा ने फिलहाल आम आदमी पार्टी छोड़ने से इनकार किया और पार्टी में रहकर ही उसे दुरुस्त करने का दावा भी किया, लेकिन विधानसभा सत्र से पहले सुखपाल खेरा के तेवर से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। वहीं खेरा की जगह नेता विपक्ष बनाए गए हरपाल चीमा इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। चीमा और दूसरे नेताओं का दावा है कि खेरा पार्टी के साथ ही खड़े होंगे, लगता है मान जाएंगे उनका भविष्य ही आम आदमी पार्टी। उधर सुखपाल खेरा के बागी तेवर से अकाली दल में खुशी नजर आई। पार्टी के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सुखपाल खेरा जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के रंग पे पूरा रंग जाएंगे और पीछे सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की फोटो भी उनके स्टेजों पे लग जाएगी। आम आदमी पार्टी ने सुखपाल खेरा को एक ऑडियो टेप की चर्चा के बाद पद से हटा दिया था। हालांकि ऐसा कोई टेप सामने नहीं आया, लेकिन उनकी जगह दलित हरपाल चीमा को नेता विपक्ष बना दिया गया। इसरो के चंद्रयान 1 से भेजे गए आंकड़ों और तस्वीरों की मदद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर बर्फ होने की पुष्टि की। नासा ने बताया कि चंद्रमा के सबसे अंधेरे और ठंडे ध्रुवीय इलाके में बर्फ मौजूद है। जानकारी के मुताबिक चंद्रमा के जिन जगहों पर सबसे ज्यादा बर्फ मिली है वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर जमी बर्फ का इस्तेमाल पीने के पानी और रॉकेट के ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। चंद्रमा पर बर्फ मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई कि बुध ग्रह और दूसरे छोटे ग्रहों पर भी बर्फ मौजूद हो सकती है। चंद्रमा पर बर्फ की खोज चंद्रयान 1 से भेजे गए आंकड़ों की मदद से की गई।
इसरो ने चंद्रयान 1 को 2008 में चंद्रमा पर भेजा था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते वक्त रमन सरकार में कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। दोनों मंत्रियों को हंसता देख साथ में बैठे बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने उन्हें टोक दिया, क्योंकि जिस वक्त मंत्रोच्चार के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब एक दूसरे के बगल में बैठे कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ठहाके लगा रहे थे। श्रद्धांजलि सभा के समय साफ दिखा कि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री के कान में हंसते हुए कुछ कहा, जिसके बाद मंत्री अजय चंद्राकर खुद को रोक नहीं पाए और ठहाके लगाते हुए अपना हाथ सामने रखे टेबल पर ठोकने लगे। ये सब देखने के बाद साथ में बैठे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने आपत्ति जाहिर करते हुए मंत्री अजय चंद्राकर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें आंखों से कुछ इशारा करने लगे, जिसके तुरंत बाद दोनों मंत्रियों ने अपनी हंसी रोक ली और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक की तरफ देखकर कुछ कहने लगे। दावा किया गया कि दोनों मंत्रियों को हंसता देख सीएम रमन सिंह भी असहज हो गए। हालांकि जब बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री का हाथ पकड़ा तो वो दोनों गंभीर हो गए और उन्हें देखकर कुछ कहने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में मंत्रियों के ठाके लगाने पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया, जिसमें पहला हमला कांग्रेस की तरफ से किया गया। शोक सभा में जिस प्रकार से दो कैबिनेट दर्जे के मंत्री हास्य मजाक उड़ा रहे थे, उसको जन जन तक, उस वीडियो को जनता तक पहुँचाने का काम और इनके चेहरे को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी ने भी उस पर निशाना साधा। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, बातचीत हो रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विषय को संज्ञान में लिया है। दावा किया गया कि श्रद्धांजलि सभा के बाद सीएम रमन सिंह और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी ठहाके लगाने पर दोनों मंत्रियों को टोका। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता आशुतोष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसलिए आशीष खेतान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। चर्चा है कि खेतान ने 15 अगस्त को आशुतोष के साथ ही अपना इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन ट्वीट करके उन्होंने पार्टी से किनारा करने का ऐलान कर दिया। इस्तीफे की खबर पर आशीष खेतान ने लिखा कि मैं पूरी तरह से लीगल प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा हूं और इस वक्त सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हूं। पत्रकार रह चुके आशीष खेतान आम आदमी पार्टी में शुरू से शामिल थे और उनकी गिनती केजरीवाल के करीबी लोगों में रही, लिहाजा उनके इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा झटका माना गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो उनके इस्तीफे पर चुप्पी साध ली, लेकिन विरोधियों ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। पार्टी छोड़ चुके कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि हम तो चंद्रगुप्त बनाने निकले थे, हमें क्या पता था चंदा गुप्ता बन जाएगा। आम आदमी पार्टी में एक और इस्तीफे पर बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हमला बोला और ट्वीट किया कि आप और हम की बात करने वाला इंसान जब अपनी असली मैं दिखाता है, एक एक करके उसका हर साथी छोड़ जाता है। जो राजनीति बदलने की बात करते थे, उन्हें पहले अपने डिक्टेटर तरीके बदलने होंगे। इसके अलावा प्रशांत भूषण जैसे नेताओं ने भी आशीष खेतान के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। आशीष खेतान ने निजी वजहों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके इस्तीफे के पीछे लोकसभा सीट का मुद्दा है। चर्चा है कि आशीष खेतान लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नई दिल्ली सीट चाहते थे, जबकि पार्टी वहां से किसी और को उम्मीदवार बनाना चाहती है। इस पर आशीष खेतान ने अपना रास्ता अलग करने का फैसला किया। हालांकि इस्तीफे पर मचे सियासी हंगामे के बाद आशीष खेतान ने अपना बयान जारी करके पार्टी को क्लीन चिट दे दी। खेतान ने लिखा कि मुझसे पार्टी ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया था, लेकिन मैंने विनम्रता से इनकार कर दिया था। आशीष खेतान ने अपने बयान में साफ किया कि उन्होंने राजनीति से अलग होने का मन पहले ही बना लिया था और उनके इस्तीफे का आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। जर्मनी के हैमबर्ग शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को वहां मौजूद एक प्रवासी भारतीय ने सबके सामने गले लगा लिया। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समय पीएम को गले लगाने पर अपनी सफाई दी। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के स्कूल ब्यूसेरियस समर स्कूल में दीपक कपूर नाम के एक भारतीय ने उनसे मंच पर आकर गले मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जिसके बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए अपनी सहमति भी दे दी। जिस पर दर्शक दीर्घा में बैठे दीपक कपूर राहुल गांधी से गले मिलने पहुंच गए। गले मिलने के बाद राहुल ने उनसे कुछ देर बात भी की। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद में पीएम से गले मिलने की घटना पर भी अपना रुख साफ कर दिया और इसी बहाने उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसके लिए राहुल गांधी ने उस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। So when the Prime Minister was making sort of hateful remarks at me, I was feeling that I needed to go and
give him a hug and tell him the world is not such a bad place. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं के लिए नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बड़ी बेरोजगारी को जिम्मेदार बता दिया. The Prime Minister demonetized the Indian economy. When you hear about lynchings in India, that's the reason for it. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया. चीन के रिचा शहर में एक पति पत्नी एक नदी के तेज बहाव के बीच अपनी कार में फंस गई. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों को बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जो नदी की तेज धार में एक कार में बुरी तरह फंस गए थे, दावा किया गया कि वो एक पुल से गुजरने के दौरान नदी में आई बाढ़ में फंस गए. बाद में बचाव दल का एक सदस्य भी उन लोगों तक पहुंचा, लेकिन पानी की तेज धार की वजह से वो नाकाम रहा. हालांकि उसने पानी में फंसी दंपत्ति तक रस्सी पहुंचा दी, जिसकी मदद से बाद में उनके पास लाइफ जैकेट भी भेजी गई. पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों कभी भी नदी में बह सकते थे. इस बीच कार में फंसे आदमी ने लाइफ जैकेट अपनी ओर खींच ली. थोड़ी देर बाद बचाव दल ने आसपास रहने वाले लोगों की मदद से उन्हें खींचना शुरू कर दिया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. हरियाणा के सोनीपत में गम में डूबी एक महिला की आंखें उसकी परिजन पोंछने लगे. आरोप है कि इस महिला के समय से पहले जन्मे बच्चे की मौत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल यात्रा में एम्बुलेंस के फंसने की वजह से हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार मातम में डूब गया. इस बीच बच्चे के परिजनों ने उसकी मौत की वजह को रैली में एम्बुलेंस का फंसना बताया. रैली की वजह से हमारा मतलब बच्चा हम डेढ़ घंटे हम लेट पहुंचे हॉस्पिटल के अंदर, तो ना बेड खाली मिला हमें ना कुछ मिला, तो रोहतक गया था, रास्ते में एक्सपायर. लेकिन परिवार के आरोपों को खारिज करते हुए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने मौत का ठीकरा खराब सड़कों पर फोड़ दिया. कई जगह रोड का निर्माण कार्य जारी है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है भीड़ लगी हो. इस बीच बच्चे की मौत पर बीजेपी को भी सियासत करने का मौका मिल गया. इस प्रकार से यातायात को बाधित करना और एक एम्बुलेंस की भी परवाह न करना, ये इनके किरदार को बताता है. बीजेपी ने बिना वक्त गवाए कांग्रेस नेताओं में मानवीय मूल्यों की कमी होने का दावा कर दिया. भयंकर बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे केरल की आंखों लोगों की मदद के लिए न्यूज 18 केरल ने ओपन हार्ट्स ओपन होम्स नाम से नई पहल शुरू की है, जिसमें सुरक्षित जगहों पर रह रहे लोगों से राहत शिविरों में रहने को मजबूर लोगों को अपने मकानों में जगह देने की अपील की गई है. न्यूज 18 की इसी पहल की वजह से अब तक 235 लोग बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं. ऐसे लोगों ने बेघर लोगों को अपने यहाँ रहने की जगह दी. दिल्ली में बीजेपी के पुराने दफ्तर 11 अशोक रोड पर हुए एक कार्यक्रम में मंच पर रखे कई अस्थि कलश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल चढ़ाने लगे. अटल बिहारी वाजपेयी के इन अस्थि कलश के साथ बीजेपी ने पूरे देश में अस्थि कलश यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसके लिए बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच अटल के अस्थि कलशों पर फूल चढ़ाए. पीएम के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अस्थि कलश पर फूल चढ़ाए. इसके साथ ही मंच पर मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने भी फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया. इसके बाद सभी राज्यों से बुलाए गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक एक कर मंच पर आने लगे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश सौंप दिए. 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था, जिसके बाद 17 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद ही बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों को करने का ऐलान किया, जिसके तहत बीजेपी देश के सभी राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकालेगी. यही नहीं, उनकी अस्थियों को 100 नदियों में प्रवाहित करने का भी फैसला किया गया. साथ ही 20 दिन तक देश के सभी राज्यों में प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की जाएंगी. नदियों से जोड़ने की बात वो बराबर कहा करते थे, आज अटल जी का अस्थि सभी नदियों से जुड़ रहा है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है. इससे पहले 19 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तराखंड के हरिद्वार में नमिता कौल भट्टाचार्य ने हर की पैड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित की थीं.